नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं, फिर मंच से हुंकार भरेंगे। देखिए, इस बार तारीख होने जा रही है अमित शाह के आने की बिहार, 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है उस दिन, और उसी दिन जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। छपरा में यह प्रोग्राम होना है, समझ सकते हैं। सारण की धरती पर पहुंच रहे हैं अमित शाह 11 अक्टूबर को। अमित शाह ये बिहार दूसरी दफा आ रहे हैं जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। 23 सितंबर को वो पूर्णिया आए थे, 24 तारीख को किशनगंज गए थे, तो समझ सकते हैं। और उसके बाद अभी 11 अक्टूबर यानी कि आज तारीख है 30 सितंबर, बस 10 दिनों के बाद अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं, और बिहार आकर मन से वो हुंकार भरेंगे। इस बार मौका होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती, जेपी जी की जयंती है उस दिन, और उसी दिन नीतीश कुमार भी बिहार में तैयार हैं। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए तस्वीरें। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार भी जेपी की कहानी, नीतीश कुमार की जुबानी। कार्यक्रम रखा गया है पटना में ही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति जयंती समारोह का आयोजन कराया है डॉक्टर रणवीर नंदन, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। और रणवीर नंदन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है पटना के बापू सभागार में, जहां पर नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचेंगे, और नीतीश कुमार भी उस दिन तैयार होंगे। जयप्रकाश नारायण की बात है, देखिए जेपी मूवमेंट से ही तमाम जितने बिहार के बड़े नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, इन तमाम लोगों की उत्पत्ति हुई है। जेपी आंदोलन में ये लोग सहयोगी थे, जेल भी जाना पड़ा। और नीतीश कुमार जेपी की कहानी, सीएम नीतीश कुमार की जुबानी उस दिन सुनने को मिलेगी। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम है, उसी दिन अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। छपरा में प्रोग्राम होना है, सारण में प्रोग्राम होना है। फिलहाल स्थल को भी चयनित नहीं किया गया है, कुछ दिन में स्थल चयनित कर लिया जाएगा, लेकिन हाँ ये तय है 11 अक्टूबर को अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उसी दिन नीतीश कुमार भी तैयार रहेंगे, जेपी की कहानी सुनानी है। और नीतीश कुमार जब जब आजकल मंच से भाषण दे रहे हैं, विरोधियों को खूब बोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। वहीं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जब पूर्णिया आए थे, क्या कुछ कहा था लोगों के सामने, आपको याद है। नीतीश कुमार के पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए ही नीतीश कुमार राजनीति करते हैं, ये तक कह दिया था। और सफाया किया जाएगा बिहार में महागठबंधन का, जनता सफाया करेगी, यह बात अमित शाह ने कही थी। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार पलटवार करेंगे, 11 अक्टूबर का दिन बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन, उस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे पटना के बापू सभागार में, उस दिन राजकीय समारोह का आयोजन भी होगा, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। तो अमित शाह भी उस दिन बोलेंगे, नीतीश कुमार भी बोलेंगे, स्वर टकराएंगे, और जब स्वर टकराएंगे तो आप समझ सकते हैं खूब प्रतिक्रियाएं आएंगी। तमाम प्रतिक्रियाओं से, तमाम बातों से अमित शाह ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा खुले मन से, हम आपको सुनवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।